करते हैं तो फिर कितना अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा? लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? सेवन क्वेश्चन बता रहा हूँ। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास वो एक्स है, और मनी जो डोनेटेड बाई ईच, हर एक में कितना डोनेटेड किया ईच, ये भी एक्स रुपये ही डोनेट किया, तो बोलो टोटल मनी कितना हो गया? 10 × 10 नहीं हो गया, जैसे 10 बच्चे और हर एक 10 दे रहा, तो 10 स्क्वायर, ऐसे ही अगर x बच्चे और हर एक ने x दिया तो टोटल मनी कितना हो गया? तो टोटल मनी x स्क्वायर, तो टोटल मनी वैसे बुक में कितना दिया है, लेकिन टोटल मनी तो x स्क्वायर है 2401, तो x कितना हो गया? क्या मालूम है? अगर आपको स्क्वायर रूट निकाल लो तो x आ जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू ये है तो स्क्वायर रूट निकालने से आ जाएगा भी नहीं, दैट इज 2401। 2401 का स्क्वायर रूट क्या होता है बोलो? 49। लेट अस फाइंड इट आउट आल्सो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो मेथड से या कैसे भी, तो 2 से किया तो 2 से तो नहीं जाएगा, और किसी से जा सकता है, इन्होंने 49 बोला तो 7 से जाएगा 4 बार, तो 7 × 3 = 21, 30 बचा, तो वो जो 7 × 4 = 28, 2 बचा, तो फिर 3, फिर 7 से 2, 49, तो 7 × 4 = 28 और 63, तो 49, फिर 7 से 2, और फिर 7 से 2, तो फिर ये कितना हो गया? 7 × 7 × 7 × 7, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास क्या है? 49, एंड मनी गिवन बाय ईच इज आल्सो 49, तो ये पूछा जा रहा है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इट इज इक्वल्स टू 49। अब जरा देखें, 8th क्वेश्चन, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन गार्डन, जितनी रो हैं उतने ही प्लांट्स हैं, मान लो अगर हमारे पास ये है और 4 रोज हैं, तो हर रो में 4 प्लांट भी हैं, तो क्या आप ये कहोगे कि 4 स्क्वायर प्लांट्स हो गए टोटल? देखो तो नंबर ऑफ रोज, 1 रो 2 रो 3 रो या 3rd रो, और ये 4 रो गई, 4th रो और ये 3rd रो गई, तो इससे क्या पता चलता है? 1st रो तो उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स, अगर 4 रो है तो 4 प्लांट भी तो है हर रो में। लेट नंबर ऑफ रोज आर एक्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, एक रो में कितने प्लांट हैं? बहुत अच्छा, जो तुरंत बताया एक्स, क्योंकि जो सुनने वाला है वो एक्यूरेट चीज बताएगा, तो हमने जैसे ही कहा कि नंबर ऑफ रोज एक्स हैं, तो आरव ने तुरंत क्या बताया, क्या बोला बेटा फिर से बताओ क्लास को? लेट द क्लास गेट एक्नॉलेज्ड बाय योर That is lauretness. ये इन्होंने पूरी बात कह दी कि the number of plants in each row, भले ही वो मन में कहा हो लेकिन कहा तो, तो number of rows कितनी है? X, वो तो मैंने एक example दिया, जैसे मैंने कहा 10 में 10, वो तो भी बता देंगे, वो दिखाने के लिए कि 4 × 4 = 16 हो जाएंगे, और अगर number of rows X हैं तो अगली लाइन क्या होगी? ये हाँ बोलो बोलो, ये भी कम सुनते हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, या ये भी रीजन हो सकता है झुक के बैठते हैं जिससे इनकी स्पाइन, उसी से ही सारा माइंड चलता है, तो झुकने की वजह से क्या है कि स्पाइन काम नहीं करती होगी प्रॉपरली, तो वो भी एक्स हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए?
बोलो एक्स स्क्वायर हुए सर टोटल नंबर ऑफ कितना दिया है तो ये ठीक बताया लेकिन वैसे तो ये x स्क्वायर होंगे क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ प्लांट्स में इन ईच रो तो वो कितना हो गया तो फिर x कितना हो गया 2025 का रूट हो गया लेकिन 2025 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो 5 से करो 5 4 या 20 यहाँ क्या लिखें दिव्या दो डिजिट एक साथ नहीं ले सकते तो इसलिए 5 से फिर करो अब 3 से करो फिर 3 से फिर 3 से 9 से कभी मत करना 9 प्राइम नंबर नहीं है तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 45 rows and 45 plants in each row. Repeat karo. So there are 45 rows and sir. बेचारा repeat कर पाता एक line भी बहुत मुश्किल है उसके लिए. वो झुक के अभी भी बैठा हुआ है. Sir there are 45 rows and 45 plants in each row. झुकने की वजह से ऐसा हो रहा है. Spine का देखो ऐसा posture होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो गड़बड़ होगी. या फिर हमारी तरह बेल्ट लगाओ जैसे हम बेल्ट लगाते हैं. तो भी मैं एक बेल्ट मम्मी से कह दो कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ही मंगा दें मम्मी मैं झुक के बैठता हूँ और मुझे उसी में आराम मिलता है क्या दिखोगे देयर आर 45 रोज एंड 45 प्लांट्स इन ईच रो क्योंकि तुमने जो पिछले दो दिन के पेपर किए वो बहुत खराब किए हैं उससे मुझे निराशा हुई तो ऐसा नहीं है तो ऑफर में आता है चलो मतलब ये तो फिगर दिखाने के लिए बताया गया है कि जितनी रो को उतने प्लांट से मल्टीप्लाई करो तो वो होता है लेकिन रो कोई से चार ही रो कोई 16 पेड़ के लिए तो खेत लगाएगा नहीं ऐसे उतने में क्या कमाएगा और क्या खाएगा तो 45 रोज हैं और हर रो में 45 प्लांट्स हैं तो 45 × 45 कितना हो जाएगा 2025 ये लो अगर क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं अगर मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक बच्चे को 10 रुपीज देने तो द मनी डोनेटेड बाई ईच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास तो अभी तो पहले यॉइंग कर लो हम बाद में समझा लेंगे हमें कोई जल्दी नहीं है आप आराम से सो लो यॉइंग कर लो तो इफ देयर आर नंबर ऑफ एक्स स्टूडेंट्स देन द मनी डोनेटेड बाई ईच भी एक्स होगा तो टोटल मनी कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स ऐसा तो नहीं है कि दो ही देगा 2x क्यों होगा या एक में है ना 10 दिया तो 20 रुपये थोड़ी ना होंगे एक्स इंटू एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ मनी गिवन बाई ईच स्टूडेंट तो वो भी एक्स है वो भी एक्स है तो 10 × 10 100 हो जाएगा कि नहीं उसी को एक्स स्क्वायर फॉर्म में इक्वेट कर दिया जो मनी आया ये टीचर को मिला ठीक है हटा दें अदरवाइज डिवीजन मेथड तो फिर अगला एक्सरसाइज है ट्रीज बनाने की जरूरत नहीं वो तो मैंने एग्जांपल बताया था ऐसा करने की आपकी जरूरत तो अगर मान लीजिए आपको कोई एक नंबर बताना जो 2 से डिविजिबल है तो एलसीएम निकालते हैं एलसीएम जो आ जाता है वो तो सबसे डिविजिबल रहता है कि नहीं तो अब वो कह रहा है देखो अपना सवाल पढ़ो
सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो ऐसा कुछ लिखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सो क्या लिखा जाएगा कि ऐसा नंबर बताओ जो गिवन थ्री नंबर से परफेक्टली डिविजिबल हो, तो मुझे एलसीएम निकाल लेना चाहिए। तो किसका किसका एलसीएम निकालेंगे? 4, 9, 10 का एलसीएम निकालो, 9। सो एलसीएम इज द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय फोर 9 and 10। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बोलो, 4, 9 और 10 का। 2 से करो 2, 9 और 5 हो गया। लाओ तो 2, 9 और 5 का फिर 2 से करो 1, 9, 5। ओके नाउ 2 से करेंगे तो 1, अब 3 से करो 1, 3, 5 फिर 3 से करो 1, 1, 5 और 5 से करो 1, 1, 1। तो ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है देख लो। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 2 × 4 × 3 × 12 × 3 × 36 निकालो, 180 आ गया। लेकिन ये नंबर ऐसा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 5 का जोड़ा नहीं है, 5 का पेयर नहीं है। सो बट दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन नहीं किया था कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डिवाइड कर देंगे तो फिर वो फिर एलसीएम नहीं रह जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में अगर आप कहो 2 × 4 × 12 × 36 तो क्या 36 10 से, मान लो 10 से तुम डिवाइड करने चलिए 36 को 5 हटा दो और मेरे पास 36 रहेगा, तो क्या 10 से पूरी तरह डिविजिबल होगा? मल्टीप्लाई चाहे जितने से कर लो, डिवाइड नहीं कर सकते, इससे कम तो कर ही नहीं सकते। एलसीएम में कम नहीं किया जा सकता, वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्या और कम कर दोगी क्या? नाम ही उसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, उससे कम कर सकती हो। तो हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाया जा सकता है, अब कम नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात की नहीं? जैसे ये देखो 10 के मल्टीपल कौन कौन से हुए, 10, 20, 30, 40, 50, 15 के बताओ, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 100। अच्छा हाईएस्ट भी हो सकता है इसका, नेक्स्ट ये भी दोनों का कॉमन, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है कि नहीं? तो अगर मैं चाहूँ तो अगर 30 हमें एलसीएम मिल गया है तो अब 30 में चाहे जिससे भी मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो सबसे कर ही जाएगा। तो मैं 5 से कर दूँ कोई दिक्कत है क्या? तो इसलिए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 180 × 5, तो दैट इज 900 इज द डिजायर्ड नंबर। फिर हमें कुछ करके नहीं दिखाना है, इज क्योंकि 900 का रूट 30 होता, 30 का स्क्वायर ही तो 900 होता। तो वो ये नहीं कह रहा कि उसका स्क्वायर रूट भी निकालो, बस कह रहा नंबर बता दो। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, जरा टाइम देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड एलसीएम, किसका एलसीएम, ऑफ 8, 15 and 20। तो 8, 15 and 20 का एलसीएम निकालें, 2 से करें तो 4, 15 and 10, 2 से करें सर 2, 15 and 5, 2 से करें सर 2, 1, 15, 5 15 और 5 5 5 सर 3 1 सर 3 सर 1 3 1 सर 1 3 1 सर 3 से करेंगे सर 1 1 1 से करो 1 1 1 सर 9 का जोड़ा बन गया
अब तीन तो अकेले पढ़ रहे हैं, पहले एलसीएम ही निकालोगे तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो एलसीएम क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 5 × 3 × 2 = 4 × 4 = 8 × 5 = 40 × 3 = 20। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, बताओ कौन कौन से। सो इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 × 5 × 3 वो कितना होता है बताओ, 10 × 30 तो अच्छा है ना, तीन है ऐसे जिनका हमने मिला टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इज डिजायर्ड, इज डिजायर्ड टू मेक इट, बोलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो हम परफेक्ट स्क्वायर देखो, परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 5 पर जोड़ा ही नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर कहां से, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा, तो मैंने कर दिया और 900 हो गया ना। ऐसे ही इसमें तीन के जोड़े नहीं है, तो मुझे किससे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 30 से करो 120 में, 120 इंटू 30 तो 12 × 3 = 36 इज डिजायर्ड नंबर। यही डिजायर्ड नंबर हो गया, 36 का 60 होता है क्योंकि 60 × 60 36 होता है, 6 × 36 होता है। ये दोनों क्वेश्चन करो, ऐसे तो एक क्वेश्चन था जो पीछे डिवाइड इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब तुम सोचो कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किससे डिवाइड किया जाए, और ये क्वेश्चन अभी किया और पहला 90 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर सभी चीजें जोड़े में हों, इफ ऑल नंबर्स आर इन पेयर्स देन इट इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई मान लो जैसे 5 पेयर में नहीं है तो लिख देना 5 इज नॉट इन पेयर, सो इट इज नॉट इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इज नॉट इन पेयर। ये वही क्वेश्चन है उसके प्रति आते हैं एग्जाम में, तुमको करो पहला तो 6400 का सीधा निकाल लो, जोड़े बना के रूट 60 हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन।